हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली और फ्रेंड आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। और फ्रेंड आपको कुछ शेयरों की अपडेट और भी बताएंगे, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। तो दोस्तों, इस शेयर में आज 1% की आज गिरावट देखने को मिली, तो फ्रेंड गिरावट इस शेयर में मौका है और फ्रेंड आपको अच्छे स्टॉक इस गिरावट में फ्रेंड बाय करने चाहिए। और दोस्तों, लास्ट 6 मंथ में इस शेयर ने 48% का फ्रेंड काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और दोस्तों, आज ये शेयर ओपन 2829 रुपये पे हुआ था और इस शेयर में हाई 2838 रुपये का देखने को मिला। और फिर इस शेयर ने लो 2748 रुपये का बनाया है और फिर शेयर ने क्लोजिंग 2796 रुपये पे की है। और फिर आज इस शेयर में 10 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और फिर 579 क्वांटिटी बाय के लिए भी लगी हुई है। और फिर आज इस शेयर में 41% क्वांटिटी डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो फिर जब गिरावट होती है तभी इस शेयर में डिलीवरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, फ्रेंड जब तेजी होती है ना तब भी इसमें क्वांटिटी इंक्रीज ही होती है, जो कि फ्रेंड काफ़ी अच्छा साइन है। इस समय पर निवेशक काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और शेयर को गिरावट और तेजी दोनों में ही बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस शेयर को आपको भी बाय करना चाहिए क्योंकि फ्रेंड एयर डिफेंस में फ्रेंड ये कंपनी इंडिया की फ्रेंड मोनोपोली कंपनी है, तो फ्रेंड इस शेयर पर आपको फोकस रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो फ्रेंड इस कंपनी का RSI 66.73 का देखने को मिला है और दोस्तों इस कंपनी का सपोर्ट देखने को मिला है 2634 का। आप फ्रेंड इस लेवल पे इस शेयर में बाय कर सकते हैं। और फिर इस कंपनी का फ्रेंड रेजिस्टेंट है 2826 रुपये का। अगर शेयर फ्रेंड इसको ब्रेक करता है तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, तो फ्रेंड इस शेयर पे फोकस रखें। और फ्रेंड शेयर में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, 2 नवंबर से फ्रेंड इस शेयर में रैली देखने को मिली है और लगातार शेयर में फिर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और शेयर फ्रेंड शॉर्ट टर्म की ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अभी फ्रेंड शेयर का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर काफ़ी अच्छा है और शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी आप इस शेयर में बाय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गिरावट में बाय करें, जैसे कि फ्रेंड हम भी गिरावट में ही बाय करते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट फ्रेंड गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड से के बारे में, जिस शेयर में फ्रेंड आज 0.78% की तेजी देखने को मिली और फ्रेंड इस शेयर ने लास्ट 6 मंथ में 27% का रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं शेयर की अपडेट। तो फ्रेंड इस कंपनी ने 4 एकड़ की जमीन खरीदी है, जिस वजह से फ्रेंड इस शेयर में आज तेजी देखने को मिली। तो फ्रेंड 4 एकड़ जमीन खरीदी, जिस वजह से फ्रेंड इस में 1.32% की तेजी देखने को मिल रही थी। बाद में फ्रेंड मार्केट की गिरावट के चलते इस में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फ्रेंड आपको आने वाले दिनों में इस खबर का इससे पे असर देखने को मिलेगा और इस में तेजी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड यह प्रॉपर्टी इसने फ्रेंड बेंगलुरु में खरीदी है, जो कि फ्रेंड बहुत अहम लोकेशन पर है, यह नेशनल हाईवे 75 यशवंतपुर पे है। तो फ्रेंड इस खबर का आपको इससे पे असर देखने को मिल सकता है और शेयर में फ्रेंड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है इस खबर की वजह से। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है BSE लिमिटेड से के बारे में, जिससे में आज फ्रेंड 1.50% की तेजी देखने को मिली, जबकि फ्रेंड मार्केट में गिरावट हो रही थी तभी फ्रेंड इससे में तेजी देखने को मिली। और फ्रेंड एक वक्त इससे में फिर 3.88% की फिर तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर मार्केट में प्रेशर की वजह से फिर इससे में भी आपको गिरावट देखने को मिली। तो फिर इससे को आप गिरावट में बाय कर सकते हैं और लगातार आपको फिर इस शेयर को रिकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि शेयर में गिरावट हो रही है और गिरावट इससे में एक मौका है फिर बाय करने का। और दोस्तों, लास्ट 6 मंथ की बात किया है तो इससे ने फिर धमाकेदार रिटर्न बना कर दिए हैं, 234% का फिर रिटर्न बना के दिया है। अगर फिर आपने इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो फिर अभी आपका 2.3 लाख हो गया होता, क्योंकि फिर शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और फिर आज ये शेयर ओपन 2214 रुपये पे हुआ था और इसमें हाई 2300 का देखने को मिला। और दोस्तों, इस समय लो 2200 का देखने को मिला है और शेयर ने क्लोजिंग 2236 रुपये पे की है। और फिर इस समय 9 लाख क्वान्टिटी का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि फिर काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी ट्रेड हुई है। और फिर 930 क्वान्टिटीज में बाइक के लिए भी लगी हुई है। और दोस्तों, इस शेयर के लिए एक निगेटिव पॉइंट ये है फ्रेंड, ये शेयर भी लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में देखने को मिलता है। जैसे ही फ्रेंड इसमें से ये निकलता है आपको शेयर में रॉकेट तेजी देखने को मिलेगी, फिर आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा। तो फिर चैनल से जुड़े रहें, फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते हैं, तो फिर इसका आपको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। और फिर इस में 38% क्वान्टिटी डिलीवरी इस पर देखने को मिल रही है। चलिए फिर देखते हैं इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों, इस कंपनी का RSI 47.24 का देखने को मिला है और फिर इस कंपनी का सपोर्ट देखने को मिलेगा फिर 2171 रुपये का। तो फिर इस लेवल पे आप इस शेयर में बाय कर सकते हैं। और फिर इस कंपनी का रेजिस्टेंट है 2302 का, जिसके करीब फिर इसने आज क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड आपको लगातार वीडियो में बता रहे हैं और फिर आपको अभी इस शेयर में फिर बाय के लिए बोला जा रहा है और फिर इस शेयर में फिर आपको इस लेवल पे सेल के लिए भी बोला गया था। तो फिर आपको दोनों तरह की कॉल प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पर। और फिर इस लेवल पर भी आपको बोला था इस शेयर में पार्शियल प्रॉफिट जरूर लोग करें। और फिर अभी आपको इस शेयर में बोला जा रहा है, तो फिर आप कुछ क्वांटिटी सेव इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड शेयर में आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और आज भी आज इस शेयर में तेजी देखने को मिली फ्रेंड और शेयर ने 2302 के लेवल को टच किया। तो
तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर को बाय कर ही सकते हैं, और मीडियम टर्म के लिए शेयर फ्रेंड काफी अच्छा है। और जैसे इसका शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव होता है आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन शेयर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं।